वेल गाइस, शाहिद कपूर के और जर्सी के मेकर्स की एक डिसीजन की काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है। वेल, उसी के साथ साथ कुछ लोग उन्हें स्टूपिड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन भी बोल रहे हैं। वेल, कौन सा डिसीजन की बात हो रही है और आखिर क्यों जर्सी मूवी पे हो रही है इतनी सारी चर्चा, बता दूं आपको। इस वीडियो में देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, लेट मी टेल यू कि जर्सी मूवी जो है उसकी रिलीज डेट आ चुकी थी, लेकिन कोरोना के केसेस के बढ़ते रीजन की वजह से इस मूवी को थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर दिया गया था। वेल, अभी शाहिद कपूर ने ट्विटर पे आकर इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है और कहा कि सो हैप्पी टू अनाउंस दैट आवर बिलोव्ड मूवी जर्सी विल बी रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड इन थिएटर्स ऑन 14th of April। सी यू इन द थिएटर्स, यानी ये मूवी जो है थिएटर्स में रिलीज हो रही है 14 अप्रैल 2022 को। वेल, आपको बता दूं कि KFG का सेकेंड चैप्टर एंड लाल सिंह चड्ढा, ऑब्वियसली KFG के बारे में मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लाल सिंह चड्ढा अगेन आमिर खान है, तो ये दोनों मूवीज पहले ही एक दूसरे के साथ 14 अप्रैल को जो है एक बहुत बड़ा ग्रैंड क्लैश करने वाली थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा ने कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक ले लिया और KFG के साथ वो बिल्कुल भी क्लैश नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, इसलिए अगस्त में जो है उन्होंने इसके रिलीज डेट जो है पोस्टपोन कर दी। भले उन्होंने ये कहा है, कितना सच है कितना झूठ वी डोंट नो, बट कहा जा रहा है कि मूवी की शूटिंग जो है कंप्लीट नहीं होने की वजह से मिड अगस्त में इस मूवी के रिलीज डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है। इसलिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीस्ट और KFG की जो है क्लैश होने वाला है, KFG चैप्टर 2 एंड बीस्ट का क्लैश होने वाला है, लेकिन इसी के बीच जो है शाहिद कपूर की और मृणाल ठाकुर की जो मूवी है जर्सी रिलीज होने वाली है ऑन द सेम डेट और करने वाली है क्लैश विद बीस्ट एंड KFG 2। काफ़ी दो स्ट्रॉन्ग मूवीज ऑलरेडी है और इसी बीच अभी बॉलीवुड की एक मूवी साउथ के मूवी के साथ लेने वाली है बड़ी टक्कर, और कुछ लोग इसीलिए शाहिद को कह रहे हैं कि आपने ये डिसीजन गलत लिया है, आपने इस वीकेंड पे यानी 14th अप्रैल पे जो है मूवी को रिलीज नहीं करना चाहिए, रिलीज डेट गलत है, आप इसे फिर एक बार एक तो प्रीपोन कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन KFG 2 के साथ बिल्कुल भी इसे मत भिड़ाइए, वरना आपकी मूवी की जो एक बिजनेस कलेक्ट करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। कुछ लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट आमिर खान की तरह ये डर के भाग तो नहीं गए और अपने रिलीज डेट को पोस्टपोन तो नहीं कर दिया, इन्होंने एटलीस्ट इनके KFG के साथ लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार तो है, और इसी वजह से शाहिद कपूर की तारीफ भी की जा रही है। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि KFG 2 एंड बीस्ट जैसी मूवीज के सामने क्या जर्सी का रिलीज होना 14th अप्रैल पे उनका क्लैश होना, क्या ये सही है, क्या ये सही डिसीजन है, या फिर आपको लग रहा है कि इस मूवी के मेकर्स ने एक गलत डिसीजन ले लिया है और इस मूवी की रिलीज डेट आगे या पीछे कर देनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।